इस वक्त की बड़ी खबर, अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को टाडा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सलेम को यह सजा प्रदीप जैन हत्याकांड में सुनाई गई। अबू सलेम को प्रदीप जैन की हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया गया है। 20 साल पहले बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या कर दी गई थी। मुंबई के स्पेशल टाडा कोर्ट ने अबू सलेम और उसके ड्राइवर मेहदी हसन को इस मामले में दोषी पाया और दोनों पर उम्र कैद के साथ साथ 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। अबू सलेम और मेहंदी हसन, इन दोनों को प्रदीप जैन की हत्या के साजिश में कोर्ट ने दोषी पाया और उन्हें दोनों को आजीवन कारावास की सजा फरमाई है। 1985 में दुबई में था और दुबई से उसने अपने हस्तकों से प्रदीप जैन की हत्या बंबई में की थी। 1985 के बाद अबू सलेम कानून को गुमराह करता रहा और आखिर कानून के गिरफ्त में 2005 में उसे पुर्तगाल में पकड़ा गया। इस सजा का आज जो अबू सलेम को जो सजा मिली है वो दो तरफ की सजा है। प्रदीप जैन की हत्या में दोषी इसलिए उसे आजीवन कारावास और 2 लाख का जुर्माना भी। और आपको बता दें कि मुंबई के एक बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या 7 मार्च 1995 को जुहू में उनके घर के बाहर कर दी गई थी। अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था। इस मामले में शुरुआत 2008 में हुई और इसमें 25 गवाहों से जवाब तलब हुए। कोर्ट ने सलेम को धारा 120B, 302 और 307 के तहत दोषी करार दिया था। और हमारे संवाददाता आशीष सिंह इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हैं। आशीष, इसमें प्रोसिक्यूशन चाहता था कि इस पूरे मामले में मौत की सजा हो, लेकिन जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है उसके मुताबिक अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती, ना ही कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है। इन सबको ध्यान में रखकर यह फैसला। जी बिल्कुल, एक्सट्रेडिशन टीटी को खास तौर पे ध्यान में रखा गया था क्योंकि पूरे मामले में जब पुर्तगाल से अबू सलेम का डिपोर्टेशन हुआ था उसमें ये अहम केस था, प्रदीप जैन का अहम केस था जिसके तहत उसे डिपोर्ट किया गया हुआ था। ऐसे में सबसे पहले डेथ पेनल्टी ही मांगी गई थी, लेकिन डेथ पेनल्टी के बाद आखिरकार जब कहीं ना कहीं एक्सट्रेडिशन टीटी का मसला आया तो जिसके बाद आखिरकार इसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के तौर पर जो है कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए दिया है और साथ ही साथ 8 लाख रुपये के जो है वो फाइन जो है अबू सलेम पर लगाए। सर, कोर्ट में पहले डेथ पेनल्टी मांगी गई थी लेकिन कहीं ना कहीं एक्सट्रेडिशन टीटी का असर साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा था। जब अबू सलेम को पुर्तगाल से इंडिया लाया गया था तब ट्रीटी में ये था कि अगर उसको कोई भी केस जिसमें डेथ पेनल्टी है उसमें ट्राई करना है, अगर उसके खिलाफ वो केस चलाना है तो उसको उस केस में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, ऐसा एश्योरेंस यूनियन गवर्नमेंट ने पोर्टुगीज गवर्नमेंट को दिया था और इसीलिए हमने डेथ पेनल्टी की मांग की थी, पर हमने उसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया, इंसिस्ट नहीं किया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले में जो है पहले डेथ पेनल्टी ही मांगी गई थी लेकिन कहीं ना कहीं एक्सट्राडिशन टीटी न टूटे इसलिए अबू सलेम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष।